इस दुनिया में देवर भाभी का जो रिश्ता होता है सबसे अलग और सबसे अनोखा होता है और सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन इस रिश्ते को अक्सर लोग फायदा उठाते हैं, अपनी मनोकामनाएं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक घटना जो सामने निकल कर आई है कि एक भाभी अपने देवर के गुप्ता अंग को काट कर सीधे थाने जाती है और टेबल पर रख कर कहती है, साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, इसके पीछे की कहानी क्या थी, ये पूरे जानने के लिए हमारे पूरे वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। ये घटना मध्य प्रदेश के सीधी जिले की है, जहां पर एक महिला रहा करती थी और उसके साथ एक बच्चा रहा करता था जिसकी उम्र 8 साल थी और महिला की उम्र 32 साल। और उसका पति जो कि नासिक में काम कर रहा होता, वह कभी कभार अपने घर आया करता था, क्योंकि वह महिला हमेशा अपने घर में रहा करती थी और अपने बच्चे को पढ़ाया करती थी। दिन गुजर रहे थे और उसके बगल में जो घर था वो उसके देवर का था और जिसकी उम्र करीब 26 साल के प्लस हो चुकी थी। वह भाई अक्सर झगड़े कर दिया करने के कारण वह अलग रहा करते थे। लेकिन झगड़े के कारण सबसे बड़ी थी कि वह जो देवर था वह अपनी भाभी के ऊपर गलत नजरें डालता था। कई बार हाथापाई भी दोनों भाइयों के बीच हुआ, लेकिन वह देवर था वह समझने को तैयार नहीं था। वह हमेशा भाभी के ऊपर गलत नजरें डाला करता था। वो भाई कई बार अपनी भाभी के हाथ पकड़कर उसके साथ गलत व्यवहार करता, लेकिन भाभी जब भी अपने पति को ये सब सारी चीज़ बताती, वह जो वहाँ नासिक में काम कर रहा होता है पति उस महिला का, वह अपने भाई को हमेशा कॉल कर उसे दबाता, फिर भी वह समझने को तैयार नहीं था। वह धमकी भी कई बार दे चुका था कि वह थाने जाएगा, लेकिन वह छोटा भाई वह समझने को तैयार नहीं था। वह कहता कि भाभी के साथ मैं 8 दिन के बाद ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन बार बार वह इस तरह की हरकतें करता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रात के 2 बज रहे थे, देवर दीवार को फान कर अपने भाभी के रूम में चला जाता है और भाभी के रूम में जाकर उसे भाभी को निहारने लगता है और उस पर गिर जाता है। वो उसे प्यार करने की कोशिश करने लगता है और उसके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करता है। इससे भाभी घबरा सी जाती है, लेकिन वह शोरगुल नहीं मचाती है कि उसकी बदनामी होगी, उसे समाज में कई बुरा भाई भला बुरा बोलेंगे लोग। वह डर जाती है कि कहीं अगर वह शोर मचाएगी तो उसके साथ लोग उससे ही का ही मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वह भाभी लगती है, क्योंकि रिश्ते में वह देवर से इस तरह की हरकतें अक्सर लोग किया करते हैं। वह डर गई थी, वह चुपचाप से बेड पर पड़ी होती है। वह देवर जो होता है अपनी भाभी के साथ संबंध बनाता हुआ चला जा रहा था। जब उसका मन भर जाता है वहाँ से वह तुरंत फरार हो जाता है। वह सुबह उठती है, वह फिर से अपने पति को ये सारी बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ नहीं बता पाती। उसे लगता है कि उसका पति उसे ही डांटेगा, उसे कहेगा कि तुम गलत बोल रही हो, कभी वह इतना हरकत में गिरी हुई नहीं कर सकता है। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे, अक्सर वह देवर भाभी के घर में फान कर चला आता और उसे के साथ संबंध बनाता, लेकिन वह भाभी जो थी वह कुछ भी कर नहीं पा रही थी। वह महिला समझ नहीं पा रही थी कि इस अपने देवर से किस तरह से छुटकारा पाए। कई जगहों से वह सोशल मीडिया के माध्यम से वह देखी कि किस तरह से इस तरह के मर्दों से छुटकारा पाया जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह किस तरह से अपने देवर से छुटकारा पाए। लेकिन वह महिला सोची कि ऐसे ही दिन नहीं चलता चलेगा, जो कि मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक रात की बात है कि जब एक शाम को वह देवर अपने भाभी के रूम में जाता है और अपने भाभी के साथ गलत संबंध बनाना शुरू करता है, तो वह भाभी चुपचाप से सो जाती है। वह जो देवर था भाभी के साथ गलत संबंध बनाना शुरू करता है, वह संबंध बनाता हुआ रहता है, उसे उत्तेजना में रहता है। उस वह भाभी जो होती है उसके गुप्तांग को पकड़ लेती है, वहीं में तकिए के नीचे से चाकू निकालती है और उसके गुप्तांग को काट देती है। वह देवर जो था वहीं पर छटपटाने लगता है, वह वहां से निकल जाती है। वह क्योंकि सुबह के 6 बजने वाले थे, वह वहां से निकलती है, सीधे हाईवे के रास्ते से चली जा रही थी। लोग इधर उधर से देख रहे थे कि वह महिला के हाथ में आखिर एक हाथ में मांस का टुकड़ा और एक हाथ में चाकू लिए वह कहाँ जा रही थी। किसी का हिम्मत नहीं थी कि वह महिला के पास जाए और पूछे। वह सीधे थाने जाती है और थाने में टेबल पर जाकर रख देती है कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने अपने देवर का गुप्तांग को काट दिया है। वहाँ जो इंस्पेक्टर होते हैं वह देखकर उसकी आँख फट जाती है। वह सोचने पर मजबूर रहती है कि वह महिला आखिर कर कर क्या आई है। वह सारी बातें महिला से पूछने लगती है कि ये तो आखिर तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा देवर आखिर कहाँ है, मुझे ले चलो वहाँ पर, क्योंकि वह उसकी जान भी जा सकती है अगर तुम इस तरह की हरकतें कर कर आई हो तो।
वह महिला अपने देवर के पास ले जाती है अपने घर के पास, और वहाँ पर जब देखती है तो देवर वहाँ पर नहीं था, बेड था जो खून से लदा पड़ा था। पुलिस वहाँ से इधर उधर छानबीन करना शुरू करती है कि आखिर देवर गया तो गया कहाँ, कहीं वह फरार तो नहीं हो गया। इधर उधर जब पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो जब बाहर बगीचे में जाती है तो देखती है पुलिस की एक पेड़ से वह जो उसका महिला का देवर था वह लटका पड़ा है। उसके बॉडी को नीचे उतारा जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस महिला का गिरफ्तार करने का कारण था दोस्तों कि वह महिला जो उसके साथ गलत व्यवहार हुआ कर रहा था वह थाने जाकर भी रिपोर्ट दायर करा सकती थी। अगर पति को नहीं बता रही थी तो वह सीधे थाने जाती और इस मामले को वह वहाँ रिपोर्ट दायर कराती, लेकिन वह किसी की जान नहीं ले सकती है, किसी के अंगों को वह कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए उस महिला को कड़ी से कड़ी सजा हुई और कुछ सालों के लिए वह अंदर चली गई। समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो अक्सर रिश्ते को फायदा उठाते हैं, जीजा साली हो चाहे भाभी देवर का रिश्ता हो, कई लोग अपने रिश्ते को इस तरह के रिश्ते को फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके साथ इस तरह की घटनाएं होती है तो समझदारी से काम लें और अपने आस पड़ोस के लोगों को बताएं कि इस तरह की हरकतें उसके पड़ोसी है या फिर उसका देवर हो, इसका जो साल जीजा हो वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, या फिर अपने पति को बताएं कि इस मामले को वह शांतिपूर्वक से सॉल्व करें और अगर नहीं होता है शांतिपूर्वक सॉल्व वह थाने में जाएं। लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ले जाए। और इस कहानी से आपको लगा हो कि इस कहानी से आपको कुछ सीख मिल रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि समाज में इस तरह की अक्सर घटनाएं घटती हुई रहती है, ताकि वो सतर्क हो सके, सावधान हो सके। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहिए, इंडिया सतर्क रहेगी।